गुड इवनिंग अभी थोड़ी देर पहले बिहार के जो यूथ हैं जो नौजवान हैं जो बिहार में अधिकारी बनना चाहते हैं ऑफिसर बनना चाहते हैं उनका एक बहुप्रतीक्षित बड़े दिनों से जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ अभी मैं आधे घंटे पहले इसके बारे में कुछ संभावनाएँ व्यक्त करा था लेकिन जैसे ही क्लास से निकला छः बजे मुझे पता चला कि बिहार सरकार ने बी के द्वारा नौजवानों के सपने जो यूथ हैं बिहार के यूथ हैं उनके सपने को पूरा करने का एक और बहुत ही क्रांतिकारी मैं क्रांतिकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार जैसे राज्य के लिए बिहार जैसे छोटे राज्य में इतनी बड़ी भर्ती आज तक की सबसे बड़ी भर्ती बी के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं हुई है जो, जो चौंसठवीं बी था वो उसमें चौदह से अधिक सीट थे लेकिन अभी टोटल ये 1945 सीट यहाँ दिखाई दे रहा है ये 1945 सौ सीट के साथ हो, और सबसे अच्छी बात है इतनी अच्छे अच्छे पद हैं इसमें कि इस परीक्षा को नहीं पास किया तो फिर तो फिर आ, फिर एक बहुत कहा जाए कि महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाएगा इसलिए मैं इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ बड़े दिनों से बड़ी सारी आस्था इसके YouTube चैनल पे मैंने बड़ी सारी संभावनाएं व्यक्त करी थी लेकिन फिर भी हज़ार से अधिक सीट तो बोलता था लेकिन बोलने में थोड़ी झिझक रह जाती थी कि पता नहीं क्या होगा चूंकि बीपीएससी जब तक बीपीएससी के द्वारा लेकिन अभी थोड़े दिन पहले बीपीएससी ने ऑफिशियली एक प्रेस ब्रीफिंग जारी कर दिया था कॉन्फिडेंस आ गया था अखबारों में भी लगातार छप रहा था लेकिन आज बीपीएससी ने बच्चों के लिए ये अवसर उपलब्ध करा दिया है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अवसर का ये जो उन्नीस सीट दिखाई दे रहा है और उसमें भी सबसे बड़ सबसे बढ़ के जाए तो पदों का पदों की जो क्वालिटी है उसको देखिए किस तरह के पद हैं एक बार में कहा जाए कि ऐसे इसमें अवसर हैं कि एक बार में ही बीपीएससी से मुक्ति मिल जाएगा अगर कहा जाए कि अनुमंडल पदाधिकारी वाला जो बिहार प्रशासनिक सेवा है अगर बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर 200 सीट है और इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सोचो बीपीएससी के एग्जाम से ही मुक्ति मिल जाएगा क्यों तो नहीं एक बार दम लगा के ट्राई कर दे कि बिहार के बी का एग्जाम देने से ही मुक्ति मिल जाए आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पूरा हो जाए अगर किसी का पुलिस सेवा में इंटरेस्ट है तो देखो 136 सीट यहाँ दिखाई दे रहा है 136 थर्टी सिक्स यहाँ पे सीट है उसका बिहार पुलिस सेवा का और डीवाईएसपी का तो ये एक बार में पूरा हो जाएगा उसके बाद जाएंगे तो जिला ये होमगार्ड कमांडेंट जो होता का है काराधीक्षक का है उसके बाद जाते हैं तो फिर बिहार शिक्षा सेवा में है फिर सबसे बढ़ के तो मुझे तो लग रहा है कि नीचे होगा कहीं जो बी बोलते हैं बी या ग्रामीण ग्रामीण विकास पदाधिकारी जिसको आरडीओ बोलते हैं तीन सौ तिरानवे सीट क्या क्या सीट तीन सौ तिरानवे सीट फिर उसी तरह से और राजस्व अधिकारी समक्ष बिहार बिहार राजस्व सेवा जो सी जिसको सी जनरली बोला जाता है बिहार में बी डी ओ ये बी का तीन सौ तिरानवे तिरपन पचपन के बाद सबसे बड़ी भर्ती ठीक है और उसके बाद फिर उसी तरह से दो एक ही झटके में इन्होंने क्या किया बी सीओ के बिहार में भरमार कर दी और बी सीओ ओ को बिहार को जरूरत भी था तिरपन पचपन के बाद छोटी छोटी भर्तियाँ हुई थी बी की और रेवेन्यू सर्विस में तो जरूर हुआ था लेकिन बी की भर्ती काफ़ी दिनों बाद है। तो ऐसी स्थिति में जाएंगे तो ये तीन सौ तिरानबे दो सौ सतासी फिर पता चला कि आपूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो यहाँ पे दो सौ तैंतीस पोस्ट है उसके बाद में जाएंगे तो अल्पसंख्यक कल्याण अल्प प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी ये सब थोड़े सामान्य पद हैं लेकिन ऊपर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है ऊपर में जाके लेवल नाइन के आप देख रहे हैं कितने सारे लेवल नाइन के बी पी एस BPS का बी एस का बी पी एस का फिर होमगार्ड कमांडेंट का जेल सुपरिंटेंडेंट का फिर उसके बाद राज्य कर सी टी ओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का ये जो डायरेक्टर ये जो मध्य निषेध वाला है लेवल नाइन का है उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी का बिहार शिक्षा सेवा का फिर जाएंगे तो सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है मतलब हर तरह के हर व्यक्ति अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस जिस सेवा में जाना चाहता है उसके लिए यहाँ पर विकल्प उपलब्ध उसके लिए यहाँ पर विकल्प उपलब्ध है ये जो सत्तर की वैकेंसी है तो अब यह है कि फिर बात है कि सीट तो खूब है उन्नीस सौ पैंतालीस सीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन फिर यही बात है कि मुझे लग रहा है कि कंपटीशन भी खूब होगा इसमें हर तरह के लोग जो ऐसे भी ऑलरेडी जो पिछले दिनों में यहाँ बी पी की एग्जाम हुए उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ पड़ा है तो जिन लोगों का भी बी और बी में या फिर अपनी पसंद के अनुसार अपना प्रमोशन वो चाहते हैं तो उनके लिए भी उनके द्वारा भी यही इस एग्जाम को दिया जाएगा और उस एग्ज़ाम में क्या होगा कि उनके लिए कहा जाए डिपार्टमेंटल प्रमोशन की तुलना में एग्जाम के थ्रू प्रमोशन ज़्यादा आसान होता है आप भी जानते हैं तो ऐसे लोगों के होने के कारण एग्ज़ाम टफ होगा एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ेगा एग्जाम में कंपटीशन बढ़ जाएगा और प्लस दोनों कैटेगरी एक कैटेगरी जो एग्ज़ाम दे रहे जो जो प्रमोशन के लिए एग्जाम देंगे ठीक है तो उनके लिए एडवाइस यही है कि भाई आप खूब सिंसियर होकर के एग्ज़ाम दें जैसे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की तुलना में एग्जाम से प्रमोशन हो जाए तो आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण 10-15 साल आपके बच जाएंगे तो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं जो कि सिलेक्शन चाहते हैं उनको उनके लिए भी खूब अवसर यहाँ पे है जनरल कैटेगरी के लिए भी काफ़ी कुछ अनरिजर्व सीटें यहाँ पर हैं उनको भी अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करना चाहिए आप बी पी की तैयारी में क्या करना है कैसे करना है इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है बस एक ही अभी की इस लेवल पर यही सुझाव देंगे कि दो काम जरूर आप कंटिन्यूस करिए चूँकि इसमें फॉर्म फिलअप करने का भी डेट आ गया कि भाई आपको अक्टूबर 18 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर देना है 17 नवंबर का इन्होंने डेट दे रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जगह ही नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मैं अनुमान लगा सकता हूं कि 17 नवंबर को पी एग्ज़ाम हो जाएगा अगर इसमें कोई डेट कोई डेट चेंज अगर नहीं है मैं देखा नहीं मैंने सीट देख करके ही सीट और ये जो नोटिफिकेशन देख करके मैं ही मैं प्रसन्न हो गया तो इसमें देखिए तो यहाँ पर वो तो जाम सत्रह नवंबर का ऑलरेडी ऑलरेडी बी ने घोषित कर रखा है मैं मान के चलूँ कि वही डेट रहेगा ये बात को सत्रह नवंबर को ही सत्रह नवंबर का ही टारगेट लेके चलते हैं अगर कोई और चेंज नहीं होता है तो आप में खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और पढ़ाई के साथ साथ एक काम जरूर करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करिएगा मैंने जैसे डेली कम से कम 20 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस जरूर करिए मान लीजिए मैं हिस्ट्री ही पढ़ रहा हूँ तो उसका जब जो पढ़िए उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए या इकोनॉमी पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जोग्राफी पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ठीक है और बार बार पढ़िए डेढ़ सौ क्वेश्चन में पीछे मैंने एक आज अभी पहले वाले क्लास में मैं व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आस्था यस के व्हाट्सअप ग्रुप है क्योंकि मैं पीछे कई एग्जाम का कट ऑफ कंपेयर किया था तो छियासठ और सड़सठ दो एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए तो कट ऑफ हमेशा सौ से कम रहा है ठीक है तो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि सौ से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा लेकिन ये कट ऑफ बहुत बाद की बात है अभी तो प्रिपरेशन का टाइम है प्रिपरेशन के लेवल पर आप फोकस करिए और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए अब इसमें आस्था आस्थाईस क्या आपको मदद कर सकता है जैसा आपने जो भी मदद की आपको उम्मीद हो आप करिए लेकिन अदरवाइज मैं एक अनाउंसमेंट जरूर यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो दो चीज़ मैं आस्था आई एस एकेडमी एक हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे आप जाएंगे आस्था आई एस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उस पर हमने कुछ क्वेश्चन फुल टेस्ट हमने उसमें फ्री दे रखा है आप उस पर से आप क्वेश्चन डेढ़ डेढ़ सौ क्वेश्चन के हैं और मैं करीब तीन सौ क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी उस पर अवेलेबल करा दूंगा फुल टेस्ट दो और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी तीन अवेलेबल करा देंगे उसी पे ऐप के ऊपर प्लस तो साथ में uh, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आस्थाई इसमें जो करंट अफेयर्स का जो नोट्स बना है जो इन्फोग्राफिक्स के रूप में है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो दोनों भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का नोट्स है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आपको मिल जाएगा प्लस दो टेस्ट पेपर वहाँ पर पे आपको मिल जाएगा प्लस करंट अफेयर्स के आने वाले दिनों में फिर तीन क्वेश्चन भी एक्सप्लानशन के साथ वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा तो ये मैं अभी के टाइम पे इतना ही आपको अनाउंस कर पा रहा हूँ कोई तो अगर क्लास नोट्स की होगा तो क्लास नोट्स भी वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अवेलेबल करा दें लेकिन इतनी बातें हमें ऑफिस से बताई गई हैं कि इतनी चीज़ें उस पर हम अवेलेबल करा रहे हैं कोई भी आस्था इस ऐप को अगर डाउनलोड करता है तो वहाँ पर वो सब मिल जाएगा इसके अलावा जाते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे एक कोर्स वन फोर्थ के ऊपर रिवीजन कोर्स इसका भी कहीं अगर अदरवाइज हमने सेक्शनल भी अवेलेबल करा रखा है उसी ऐप पर कि बिहार स्पेशल का बिहार इकोनॉमी का साइंस का जोग्राफी का जो आस्थाई इसमें बी एस के लिए क्लास चला है उसका वीडियो हमने उस पर अवेलेबल करा रखा है हर सेक्शन में कम से कम पच्चीस तीस पैंतीस पैंतीस वो आप फास्ट मोड में करके अगर आपको लगता है कि आपका जोग्राफी ठीक है जोग्राफी है अगर आपको लगता है कि आपका इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इकोनॉमी अवेलेबल है अगर आपको लगता है हिस्ट्री में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हिस्ट्री का वीडियो अवेलेबल है आप उसको भी सब्सक्राइब लेकिन वो पेड है वो ये जो कोर्स है जो मैं बता रहा हूँ सेक्शन अदरवाइज सब मिला करके एक कोर्स रिविजन कोर्स अवेलेबल है और उस कोर्स को अगर आप करते हैं और हमें लगता है कि पाँच सात क्वेश्चन भी इस कारण से अगर बढ़ जाता है तो कम नहीं है, करना चाहिए चूंकि एक दो अगर पीटी हो जाता है तो बड़ा मुश्किल ये सारा और जो अवसर है अवसर हाथ से निकल जाएगा तो भाई क्यों नहीं मैं ऐसा कोशिश करूँ जिससे मेरा 110 115 के आसपास मेरा सही हो क्यों मैं पाओ और उसके आसपास स्ट्रगल करूँ तो ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप कटअप से बहुत ऊपर रहें यह आपके हाथ में है और ये तैयारी सेल्फ सेल्फ स्टडी से ये से जो सहयोग हो सकता है या कोई आस्था इसके कोर्सेज हैं या किसी और कोचिंग के कोर्सेज पे अगर आपको भरोसा है तो आप उसको उसको लेकर के भी आप जरूर अपनी कोई कमी मत छोड़िए बस तो यही आज के डेट में ऑल द बेस्ट आप खूब अच्छे से मेहनत से तैयारी करिए जो भी आपको किसी तरह के सहयोग की ज़रूरत हो तो आप आस्थाईस में हमने आपको ये बताया इसका जो आस्थाईस ऐप है वो उसका लिंक इस वीडियो के साथ अवेलेबल करा दिया जाएगा उस पर से क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस पर चले जाएंगे आपको जो हमने बोला वो सब अवेलेबल हो जाएगा अदरवाइज़ कुछ और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास जो नाइन फाइव फोर ज़ीरो डबल फोर डबल फोर जीरो और डबल एट डबल जीरो डबल थ्री एट जीरो और एक और हमारा मोबाइल नंबर है ट्रिपल एट जीरो तो ट्रिपल एट फोर थ्री वन पर किसी भी नंबर पे आप कॉल करके किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प इस पे ले सकते हैं कुछ आपको चाहिए तो फिर ये आज तो बहुत खुशी के बिहार के नौजवानों के लिए खुशी तो हम लोग बोलते थे कि बिहार में सरकार बाहर में एक बार आज फिर थैंक यू